हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में जब आप लोग यहाँ पे किसी भी ये जो चैट है अगर आपने यहाँ पे किसी को भेजा है उसको अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग प्रेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अनसेंड पे क्लिक करते हैं ना, तो गाइज़ यहाँ पे ये जो मैसेज है वो डिलीट नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो चैट मैसेज है इंस्टाग्राम में वो डिलीट नहीं होता है। तो हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों ने बहुत दिनों से अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं किया है तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। तो आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक और सेटिंग कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे सेटिंग को क्लिक करना है। वैसे आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को अपडेट करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, फिर भी आपको एक और सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर जाना है और मैनेज एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे इंस्टाग्राम को लिख के सर्च करना है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इंस्टाग्राम को लिख के सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है वो दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पे उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको वाईफाई एंड मोबाइल डेटा को इनेबल कर देना है और ओके करना है। अगर आप लोग यहाँ पे इसको इनेबल नहीं करते हैं तो गाइज़ यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन का डेटा को यूज़ नहीं कर पाता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप लोग यहाँ पे इसको जो है इनेबल करके जो है ओके कर लीजिए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पर इतना ही सेटिंग करना है।